नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिलवाड़ा लोकवाणी में। जहाजपुर ईओ अस्वस्थ होने से नहीं आए बोर्ड बैठक में। अन्य अधिकारी को चार्ज दिलाने के लिए विधायक ने कलेक्टर से लेकर शासन सचिव तक लगाई गुहार, पर नहीं निकला कोई सार। फिर धूमिल हुए जहाजपुर वासियों के विकास के सपने, भाजपा और कांग्रेस की खींचतान की भेंट चढ़े विकास के एजेंडे। बिलवाड़ा जिले के जहाजपुर नगर पालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड की प्रथम बैठक भाजपा और कांग्रेस की राजनीति का शिकार बन गई। नगर पालिका बोर्ड की बैठक आज पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा की अध्यक्षता में प्रातः 11:15 बजे शुरू होने थी। बैठक के नियत समय पर कांग्रेस के पार्षद पहुंच गए, जिन्होंने वहां पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी का 15 मिनट तक इंतजार किया। 11:30 बजे तक सदन में पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और भाजपा का कोई भी पार्षद नहीं पहुंचा। इसके बाद कांग्रेस के पार्षद बैठक छोड़कर चले गए। वहीं भाजपा के पार्षद पालिका अध्यक्ष के कक्ष में बैठे थे व पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा पालिका के बाहर पार्षदों की अगवानी के लिए खड़े थे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद नजीद मोहम्मद सरवरी ने मीडिया कर्मी को बताया कि बोर्ड बैठक बुलाने के बाद ना तो बैठक में सीट पर पालिका अध्यक्ष नजर आए व न ही अधिशासी अधिकारी। लगभग 15 मिनट तक सभी पार्षदों ने इनका इंतजार किया, पर यह बोर्ड बैठक के सदन में नहीं आए। इससे कांग्रेस के पार्षद भी बैठक छोड़कर चले गए। पार्षद सरवारी ने बताया कि कांग्रेस के पार्षदों ने की बैठक डांग बंगले में संपन्न हुई। वहीं पार्टियों की इस खींचतान में नव निर्वाचित होकर पहली बार पार्षद बनकर पालिका में पहुंचे जनप्रतिनिधि मायूस नजर आए। आज नगर पालिका की बैठक आपकी अध्यक्षता में 11:15 बजे रखी गई थी। बैठक में अधिशासी अधिकारी नहीं आने से बैठक भी शुरू नहीं हो सकी। अब क्या चल रहा है नगर पालिका में? बैठक 11:15 बजे रखी थी, पर ईओ का अचानक मैसेज आया कि वो बीमार है, मेडिकल पे जाएगी। अभी डायरेक्टर साहब से बात चल रही है, कलेक्टर साहब से भी बात चल रही है, अभी क्लियर नहीं है कोई आएंगे अधिकारी या नहीं आएंगे। बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भिलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताजा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम।